Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss about the difference between a passion and a career. So basically, जो भी मेरी राय हैं, मेरे opinions हैं regarding this particular topic, वो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. You might have different opinions and you can respectfully comment it down. So सबसे पहले we discuss about passion. What exactly passion is? Something that you love doing, right? So for me, like it's YouTube, it's teaching because I love uploading videos on YouTube. Whenever actually I feel low, I shoot some video or I teach because that's something जिससे मुझे खुशी मिलती है. Even if I am sad, I'll just share an incident someday with you people. That was one of the worst day of my life and actually I was crying so much that day. But उसके बाद मैंने सोचा यार ये रोके मैं क्या ही कर लूँगी. I started teaching. I took a live class on YouTube and किसी को पता भी नहीं चलेगा that मेरा वो सबसे बुरा दिन चल रहा था. But I started teaching on YouTube. उसके बाद मैंने personal tuition भी पढ़ाया. तो उसके बाद like मेरा mood इतना अच्छा था ना, I didn't even know कि मैं पहले sad भी थी. So that's something which is passion for me कि मेरे को कुछ चीज़ करने में इतना ज़्यादा interest आ रहा है, मुझे वो चीज़ करने में इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है. But क्या उसे मैं एज अ करियर ऑप्शन देखना चाह रही हूँ या फिर नहीं. तो YouTube कई लोग तुमने देखा होगा कि वो लोग अपनी इवन इतने ज़्यादा पैकेजेस की जॉब भी छोड़ देते हैं जस्ट फॉर YouTube. तो एक इमोशन जुड़ जाता है, एक पैशन तुम्हारा होता है. पैसे भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बट एक पैशन भी अपनी जगह इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी. इफ आई एम डूइंग यूट्यूब, इफ आई एम एन एजुकेटर, मैं पढ़ा भी रही हूँ तो उसके साथ साथ आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन एज वेल. आई एम इन BSc थर्ड ईयर. तो मतलब ये सारी चीज़ें ही साथ में लेके चल रही हूँ तो आई ऑल्सो हैव अ प्लान बी. ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ दिया, बस यूट्यूब ही कर रही हूँ, यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, एजुकेटर हैं, सिर्फ वही चीज़ नहीं है. बिकॉज वो एक चीज़ है जो मेरा पैशन है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. बट उसके साथ साथ मेरे को एक प्लान बी लेके भी चलना है. बिकॉज ऐसा नहीं है कि यूट्यूब अगर तुम कर रहे हो ना तो ये तुम्हें बिल्कुल 100% गारंटीड है कि बस यही चीज़ तुमने कर ली तो तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल फिक्स्ड है. बिकॉज ये कम्प्लीटली ना टेम्प्रेरी है. अगर एक मंथ में आई एम अर्निंग 40,000, द नेक्स्ट मंथ आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग. तो ये चीज़ें चलती रहती हैं एंड दिस इज़ अ कम्प्लीट फ्लक्चुएशन. तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम अर्न कर रहे हो यूट्यूब से तो ग्राफ तुम्हारा ऊपर जाएगा या कॉन्स्टेंट बना रहेगा, वो बहुत धड़ाम से नीचे भी आता है. तो इसीलिए ये एक ऐसी चीज़ है जो पैशन के तरह ही अगर तुम लोगे सो दैट वुड बी हेल्पफुल. अगर तुम कम्प्लीटली उसे पैसों के बेसिस पर ही देखते रहोगे कि यार पैसा अर्न करना है यहाँ से, तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी तुम्हारा नहीं रहेगा. दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल. इनिशियली आई स्टार्टेड टीचिंग, तो मैंने ट्यूशंस पढ़ाने से ही स्टार्ट करा था. मतलब मैंने YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा था, मैं खाली ट्यूशंस पढ़ा रही थी एंड मुझे पता था मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग में तो मैं ट्यूशंस ही पढ़ाती थी. बट सून आई रियलाइज्ड कि इसे मेरे को ऑनलाइन मोड पे भी लाना चाहिए. तो इसीलिए आई स्टार्टेड टीचिंग. मैंने अपनी खुद की अर्निंग से पहला अपना लैपटॉप लिया एंड उसी से देन मैंने लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया. तो अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी भी एंड यू फील कि यार घर वाले तो पैसे नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए तुम्हें खुद वर्क करना पड़ेगा ना. खुद अपनी स्किल्स डेवलप करो, फ्रीलांसिंग करो, ट्यूशंस पढ़ाओ, कुछ भी करो. देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. तो अपने घर के आसपास भी देखोगे ना कोई कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर रहा होता है. तो वो चीज़ें तुम्हें खुद ही देखनी पड़ेगी. अब पैशन में यार कई लोग की सिंगिंग भी आ जाती है, कई लोग डांसिंग भी करते हैं. मैं तो पर्सनली उसे एज अ हॉबी ही रखती हूँ. और हॉबी भी डिफरेंट चीज़ है, पैशन भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. हॉबी इज़ बेसिकली तुम्हें बस हाँ मज़ा आ रहा है उस चीज़ को करने में, बट पैशन इज थोड़ा सा डिफरेंट. उससे करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होती है. लाइक फॉर मी द बेसिक डेफिनेशन इज दिस. अगर तुम गूगल सर्च मारोगे अलग ही डेफिनेशन आएंगी, बट अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से तुम लोग को बता रही हूँ. अब अगर हम हॉबी की बात करें तो उससे अगर तुम इनकम जनरेट कर पा रहे हो, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सिंगिंग में, डांसिंग में, उससे इनकम जनरेट करवा पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. बट इफ़ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और अ पुअर फैमिली, तो तुम्हारे पास इतना पैसा तो होगा नहीं घर वालों के पास कि अगर तुम्हें वो पर्टिकुलर चीज़ भी फॉलो करनी है तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपने घर वालों के लिए अर्न भी करना पड़ेगा ना. तो अगर उस चीज़ से तुम अर्न नहीं कर पा रहे हो तो आई थिंक तुम्हें दूसरी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, विच शुड बी योर प्लान बी एक्चुअली. एंड ऑब्वियसली अगर तुम एक चीज़ कर रहे हो, जैसे अगर तुम अर्न भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके साइड तुम बाकी अपनी चीज़ें फॉलो डेफिनेटली कर सकते हो. I know that it sometimes do become very irritating क्योंकि तुम्हें अपनी वो चीज़ें भी करनी हैं जो तुम्हें पसंद हैं. एंड कई बार ऐसा होता है ना, बिकॉज इतनी ज़्यादा घिच पिच चल रही होती है कि तुम्हें अर्न भी करना है यार, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तुम्हें अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो करना है, कि वो इतना इरीटेटिंग हो जाता है कि जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना फिर वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग लगने लग जाता है. बट वो एक फेज़ होता है खाली लाइफ का एंड बस उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो चला जाता है. तो यू समहाउ हैव टू मैनेज थिंग्स बिकॉज इफ़ यू आर रिच इनफ तो यू कैन ईजिली फॉलो योर पैशन एंड वहीं से तुम अपना करियर कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हो. इट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस बट या आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. बट अगर तुम एक पुअर फैमिली से हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो सिर्फ पैशन पे ही अगर फोकस करोगे
तो मे बी यू सक्सीड बट मे बी यू डोंट. तो तुम्हें अगर रिस्क लेना है तो तुम ले सकते हो, बट इफ़ यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क, तुम्हें लगता है यार घर वालों ने इतना पैसा मेरे ऊपर लगा रखा है एंड अगर मेरा कोई आउटकम ही नहीं आएगा तो मेरे लिए ही वो एक नेगेटिव चीज़ होगी. सिर्फ यही नहीं कि पेरेंट्स ताने देंगे ऐसा कुछ, अगर तुम खुद सोचो ना, इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड तुम्हारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी तुम पे इतना इन्वेस्ट कर रखा है एंड ऑब्वियसली यू ऑल्सो वॉन्ट कि तुम कुछ अच्छा करो उनके लिए, अगर तुम ही उस चीज़ में फेल हो गए एंड यू डोंट इवन हैव अ प्लान बी तो तुम क्या करोगे वहाँ पे? तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है. कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग उस फेस से भी कोप अप कर लेते हैं, बट ऐसी सिचुएशन ही क्यों लानी व्हेन यू कैन फोकस ऑन बोथ द थिंग्स. तो इसीलिए सिर्फ एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ मत छोड़ो, यू कैन फोकस ऑन ऑल द थिंग्स साइमल्टेनियसली. तो अपनी ग्रेजुएशन या अपनी कोई भी डिग्री है, अपनी पढ़ाई है, उसको तो कंटिन्यू करना ही, उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी चीज़ है यू फील कि यार मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इससे मैं अर्न भी कर पा रही हूँ, तो उसको भी हमेशा साइड से लेके ही चलो. लाइक अगर मैं हूँ तो यूट्यूब के लिए मैं अपनी पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, या फिर अपनी सिर्फ पढ़ाई के लिए मैं यूट्यूब छोड़ दूँ ऐसा भी नहीं है. आई एम समहाउ ट्राइंग टू मैनेज बोथ द थिंग्स. कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट वो चीज़ तुम्हें करनी पड़ती है. अगर कोई भी चीज़ के लिए इंटरेस्ट है ना तो कहीं ना कहीं हम टाइम उस चीज़ के लिए निकाल ही लेते हैं. आप कई लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ जिन्हें क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एंड मोस्टली जितने भी लड़के हैं सबको क्रिकेट, फुटबॉल या कोई भी एक स्पोर्ट में तो इंटरेस्ट होता ही होता है. इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है यार, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं. तो अगर तुम्हें लगता है यार मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ में, आगे मैं उसमें भी अपना करियर ऑप्शन देख सकता हूँ, तो डेफिनेटली उसमें भी देखो. बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करते जाना. अब यहाँ पे कुछ हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं. एक तो यूट्यूब, तुम लोग यूट्यूब कर सकते हो, ट्यूशंस पढ़ा सकते हो, बिकॉज वो एक बेसिक चीज होती है अर्न करने के लिए. अगर तुम क्लास फिफ्थ सिक्स के बच्चे को भी पढ़ाओगे आराम से तुम लोग 500-600 कमा सकते हो. एंड इनिशियली ना इतना अमाउंट बहुत ज्यादा होता है. मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, जो मेरी पहली कमाई थी वो 400 रुपए थी पर महीने एंड आई डिड दैट बिकॉज अगर 400 से मैं उसे 4000 और 4000 से मैं बहुत ज्यादा अमाउंट तक उसे ले जा सकती हूँ तो एनी बडी कैन डू दैट. बट एटलीस्ट तुम्हें वो स्टार्ट करना पड़ेगा. एक बार अगर तुम स्टार्ट कर दो वो चीज, देन देर इज नो लुकिंग बैक. कई बार होगा जब तुम्हारा वो जो ग्राफ है ना वो ऊपर से बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, बट उसको ऊपर कैसे लेके जाना है वो भी तुम्हें ही पता होगा. देन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स ही नहीं है और तुम अर्न करना स्टार्ट कर दोगे. अगर तुम ट्यूशंस भी पढ़ाओगे, मान लो उस बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो तुम मतलब क्या फायदा है उस चीज का, वो एक महीने में तुमसे छोड़ ही देगा. तो इट्स बेटर कि तुम अपने स्किल्स पे फोकस करो एंड ये चीजें ना करने से आती हैं. मैं कोई एक एजुकेटर नहीं थी पहले से ही, मुझे पढ़ाना भी नहीं आता था लिटरली. अगर मैं किसी को पढ़ा रही होती थी ना, मेरा हार्ट इतना ज्यादा पंप कर रहा होता था, मैं इतनी ज्यादा नर्वस होती थी. बट इवेंचुअली जैसे जैसे मैं वो चीज करती गई, सो आई बिकेम हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट. तो वो चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी. इवन इफ आई टॉक अबाउट फेसिंग द कैमरा, तो मैं वीडियोस बना ही नहीं पाती थी. लाइक इट यूज़ टू बी सो मच डिफिकल्ट फॉर मी, बट इवेंचुअली जैसे जैसे मैं वो चीज़ करती गई तो होती गई. एडिटिंग मेरी बहुत ज़्यादा गंदी थी, बट थोड़ा थोड़ा करके मैंने वर्क किया. अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट स्टिल इट्स अ नॉर्मल लेवल. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द थंबनेल्स, बहुत ज़्यादा घटिया मैं बनाती थी, बट वो चीज़ अगर तुम सीखते जाओगे ना तो वो चीज़ें होती जाएंगी. तुम्हें कोई कोर्स ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बट एक है कि अगर हमें कोई अच्छी स्किल्स डेवलप करनी है तो कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई कोर्स देख ही रहे होते हैं. जैसे मैं हूँ तो मैं तो जनरली फ्री वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे अवेलेबल वही देख लेती हूँ अगर मुझे कोई भी चीज़ सीखनी होती है. लाइक आजकल मैं थोड़ा स्टॉक मार्केटिंग सीख रही हूँ, तो वो भी अगर मुझे सीखनी है तो मुझे यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़ती हैं. उसके लिए टाइम अलग से वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अगर तुम सोचो तुम्हारे अंदर कोई भी स्किल नहीं है एंड तुम ऐसे चुटकी बजा के अर्न करने लग जाओगे, सो नहीं. तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, तो अभी पैसे कमाने पे फोकस मत करो, अभी अपनी स्किल्स डेवलप करने पे फोकस करो. अगर मैं इनिशियली मान लो सोचती कि नहीं यार मेरे को तो 1000 रुपये चाहिए और मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, तो वो नहीं वर्क करता ना. तो आई स्टार्टेड विद 400 रुपीज़, बट वो मेरे लिए बस एक लर्निंग फेज था. मेरे लिए ये नहीं था कि मुझे पैसे अर्न करने हैं, मुझे ये था कि यार मुझे सीखना है, मुझे सीखना है कि पढ़ाया कैसे जाता है, कैसे मैं अच्छे से और अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी जो नर्वसनेस है उसको दूर कर सकती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी कैसे डेवलप कर सकती हूँ. तो वो चीज़ों पर मैंने ज़्यादा फोकस करा. तो इसीलिए स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करो. एंड सिमिलरली एजुकेटर भी तुम एक बन सकते हो, बट अगैन उसके लिए भी तुम्हें स्ट्रगल तो लगेगा ही लगेगा. ऐसा तो है नहीं कि बस चुटकी बजा के हम एजुकेटर बन जाएंगे. It took me 2 years to be an educator on an academy. तो बहुत सारी चीज़ें तुम लोग को खुद से भी करनी पड़ेंगी. एंड इसके अलावा अगर कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो मैं हूँ तुम लोग के लिए हेल्प करने के लिए. जितना मेरे से बन पाता है, जितना हो पाता है, जितनी वीडियोस हो, चाहे पर्सनल मैसेजेस हो, कमेंट्स हो, मैं अपना ट्राई करती हूँ कि रिप्लाई करूँ, बट कई बार नहीं हो पाता है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे भी सिर्फ एजुकेशनल फील्ड में ही तुम जा सकते हो. तुम लोग व्लॉगिंग कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर टेक चैनल, यू कैन स्टार्ट योर व्लॉगिंग चैनल, स्टडी व्लॉग्स वाला. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तुम लोग खुद देखोगे तो बहुत सारे
सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो तुम खुद से स्टार्ट कर सकते हो। कई लोग हम सोचते हैं ना यार यूट्यूब पे ऑलरेडी इतने सारे क्रिएटर्स हैं, हम कैसे ग्रो करेंगे। ऑनेस्टली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे ना कोई भी चीज़, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा उसके पीछे का क्या स्ट्रगल है। कई लोग क्या होते हैं, बैठते हैं और बस यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो बना रहा है उसकी वीडियो पे जाके बहुत गंदा सा कमेंट लिख देंगे, और खुद अगर वो स्टार्ट करेगा ना वो बंदा कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो भाई तुम्हें खुद स्टार्ट करना है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि उसके पीछे का स्ट्रगल क्या है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूट्यूब, इट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग। देन यू कैन ऑल्सो लर्न डिजिटल मार्केटिंग, उसमें भी बहुत सारे हमारे फील्ड्स आ जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी तुम लोग कर सकते हो। अगर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी तुम लोग को चाहिए है वीडियो, तो ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर तुम लोग मैसेज कर सकते हो। देन इंस्टाग्राम से भी कई लोग बहुत सारा अर्न कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह निकाल लेते हो तो वहाँ तुम्हारी जॉब लग जाती है, वहाँ पर भी तुम बहुत अच्छा अर्न कर रहे होगे। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड यही चीज़ है कि अपने पैशन को मत छोड़ो। मैंने इतने सारे यूट्यूबर्स भी देखे हैं जो कि अपनी फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं बट उसके साथ साथ दो दो चैनल्स मैनेज कर रहे हैं। कई बार डिफिकल्ट हो जाता है तो वो लोग छोड़ देते हैं अपनी जॉब फॉर यूट्यूब बिकॉज दे नो कि एग्जैक्टली वहाँ पे आगे क्या करियर ऑप्शन हैं। बट अभी अगर तुम जस्ट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए दैट शुड बी कि मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। डे बाय डे तुम्हें कोई ना कोई नई चीज़ सीखनी है। ये नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए बस पैसा 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 कैसे अर्न करें। नहीं, यू शुड बी थिंकिंग कि इनिशियली मैं अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करूं सो दैट इन द लॉन्ग रन वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सके। स्टॉक मार्केटिंग भी तुम लोग सीख सकते हो यूट्यूब पे, बहुत सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मैं खुद बिकॉज आजकल बहुत सारे लेक्चर्स देख रही हूँ एंड अभी तो मेरे खुद के एग्जाम्स भी हैं, इसलिए आई एम नॉट फोकसिंग मच ऑन यूट्यूब बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि पैशन अपनी जगह है और करियर और जो तुम्हारी स्टडी है, पढ़ाई है, ग्रेजुएशन है, वो सब अपनी जगह है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।